खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। दिल्ली के नारायणा में सड़क हादसा, क्लस्टर बस और स्कूल बस में जोरदार टक्कर, हादसे में 6 बच्चे घायल। घायल बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। तो दिल्ली के नारायणा में आज सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया है, क्लस्टर बस और स्कूल बस के बीच जोरदार टक्कर हो गई और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी ही पलट गई। हादसे में 6 स्कूली बच्चे भी घायल हुए हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूली बस हादसे के बाद टकराकर पलट गई, जबकि क्लस्टर बस के आगे का शीशा टूट गया है। पुलिस के मुताबिक यह हादसा सुबह 7 बजे के करीब हुआ, तेज रफ्तार बस स्कूली बस से टकरा गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्चों को बस से बाहर निकाला गया। घायल बच्चों को पास के कपूर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्लस्टर बस और स्कूल बस में जोरदार टक्कर होने से 6 बच्चे घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज फिलहाल चल रहा है। यह सुबह लगभग 7 बजे का यह पूरा मामला है, जब क्लस्टर बस और यह स्कूल की बस आपस में टकरा गई और इस बड़े सड़क हादसे में 6 स्कूली बच्चे घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उसी हादसे की तस्वीर है जहां पर आज 6 बच्चे घायल हुए हैं। अब बस आप देख सकते हैं, आगे का शीशा पूरी तरीके से टूट गया है और दूसरी बस आप देख सकते हैं पलट गई है और आगे का शीशा उसका भी पूरी तरीके से टूटा है। दिल्ली के नारायणा में ये सड़क हादसा हुआ है, एक स्कूल बस और एक क्लस्टर बस के बीच में जोरदार भिड़ंत हो गई और इस टक्कर में एक बस पूरी तरीके से पलट गई है और 6 बच्चे इसमें घायल हो गए। सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है, फिलहाल सभी अस्पताल में भर्ती हैं जहां पर सभी का इलाज चल रहा है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफ़ी भयानक ये सड़क हादसा है, क्योंकि जिस तरीके से स्कूल बस पलट गई है और आगे का शीशा उसका टूट चुका है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं टक्कर जबरदस्त थी, तभी ये हादसा हुआ और 6 बच्चे इसमें घायल है। सभी का इलाज फिलहाल चल रहा है। क्या वजह है सामने नहीं आ पाई है, आखिर किस वजह से ये इतनी बड़ी टक्कर हुई, फिलहाल इसकी जांच जारी है। तो क्लस्टर बस और स्कूल बस में ये जोरदार टक्कर, आप तस्वीरें देख सकते हैं, बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं जहां उनका इलाज किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, शीशा टूटने से पूरी तरीके से कांच नीचे सड़क पर बिखर गया है। ये तस्वीरें वो उसी हादसे की है। आगे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव, दिल्ली के नारायणा में ये सड़क हादसा सुबह देखने को मिला है, फिलहाल बच्चों की स्थिति क्या कैसी है? सुबह की जब ये घटना है, घटना के बाद मौके पर प्रत्येक व्यक्ति थे, उन्होंने बच्चों को आस पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल आधा दर्जन जो बच्चे भर्ती थे उनमें से 4 बच्चों को दवाइयों के बाद जो है उनको वहां से छुट्टी कर दी गई है। तो जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं जो क्लस्टर बस है उसकी एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। अनुमान देखा जाता है कि सुबह के समय जो बस वाले हैं वो सबसे बड़ी जो है लापरवाही करते हैं, तेज रफ्तार से जो वाहनों को चलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक गनीमत इस हादसे में ये रही कि बच्चों को ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं। पास के ही जो स्थानीय लोग थे उन्होंने तुरंत ही बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहां से 4 बच्चों को अभी डॉक्टर ने इलाज के बाद उनको छुट्टी जरूर दे दी है, लेकिन जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ उसके बाद से अब दिल्ली पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। आसपास के स्थानीय लोगों से भी, जब दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं जो मौके पर पहुंचे थे, उनके द्वारा अब उनके बयान दर्ज करवाए जा रहे हैं कि आखिर हादसे के पीछे की वजह क्या थी, क्योंकि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय बस में काफी बच्चे मौजूद थे और जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई है, कहीं ना कहीं एक जो क्लस्टर बस वाला है उसकी सबसे बड़ी चालक की गलती मानी जा रही है। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस के द्वारा फिलहाल इस मामले में जांच शुरू कर दी है, लेकिन सबसे बड़ी राहत की जो बात है, जो छोटे बच्चे जो स्कूल के समय जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ, ऐसे में उनको ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई है, एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। लेकिन फिलहाल जो बच्चों को चोटें आई थी, जो घायल हुए थे, उनका इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है। जी जी, चलिए शुभ, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।